नमस्कार, मैं सिमरनजीत सिंह बिहारी न्यूज से। कुछ बात इतिहास की, कुछ बात विरासत की, आज बात पटना के गोलघर की। पटना के गोलघर के विषय में इन रोचक तथ्यों को जानना बेहद जरूरी है। आप जब कभी भी बिहार की राजधानी पटना गए होंगे तो एक विशाल से अंडाकार भवन पर आपकी निगाह जरूर गई होगी। ये भवन आकर्षक तो है ही, आम लोगों के लिए कौतूहल का विषय भी है। हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है, समझना चाहता है कि आखिर यह है क्या। ये गोलघर है जो राजधानी पटना के गांधी मैदान से थोड़ा आगे पश्चिमी भाग में स्थित है और स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। गोलघर के इतिहास की चर्चा की जाए तो पता चलता है कि इसका निर्माण अंग्रेजी हुकूमत के दौरान सन 1784 में पूरा हुआ। अब आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि इस गोलघर का निर्माण हुआ क्यों, इसके पीछे ऐसे कौन से कारण थे। आइए नजर डालते हैं इसके इतिहास पर। बात सन 1770 की है। पूरे हिंदुस्तान में भयंकर सूखा पड़ा था। करीब 1 करोड़ की आबादी इस सूखे की चपेट में आई थी और भुखमरी का शिकार हुई थी। इस भुखमरी की समस्या ने सबका दिल दहला दिया था। इस भुखमरी का शिकार ब्रिटिश फौजें भी हुई थी। तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के दिमाग में एक आइडिया आया, एक बड़े से गोदाम के निर्माण का, जिसमें अंग्रेजी फौजों के लिए अनाज का भंडारण किया जा सके। ब्रिटिश सरकार के इंजीनियर कैप्टन जॉन गास्टिन ने 20 जनवरी 1784 को अनाज भंडार के रूप में इस गोलघर का निर्माण कार्य शुरू कराया और 20 जुलाई 1784 तक यह गोलघर बनकर तैयार हो गया। ऐसा अंदाज लगाया जाता है कि इस गोलघर में एक साल 1,40,000 टन अनाज रखा जा सकता है। इस गोल घर का आकार 125 मीटर और ऊंचाई करीब 29 मीटर है। इस पर ऊपर जाने के लिए आपको 145 सीढ़ियों का सफर तय करना पड़ता है। इसके शीर्ष पर जाकर आप गंगा नदी के मनोहारे दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। गोल घर में कोई स्तंभ नहीं है, ये आश्चर्य की बात है अपने आप में। इसकी दीवारें आधार में 3.6 मीटर तक मोटी हैं। सन 1979 में गोलघर को सरकार ने संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया और एक तरीके से ये पटना के लिए, बिहार के लिए विरासत बन गया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल बिहारी न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारे यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हों तो हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।